देश की प्रमुख परफॉर्मेंस बाइक निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड ने कस्टम फेस्ट 2019 में एक बिल्कुल ही नए डिजाइन की बाइक को पेश किया है। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इंजन की क्षमता से सजी इस बाइक का डिजाइन किसी साइंस फिक्शन मूवी में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूचर बाइक जैसा है। इस बाइक को रॉयल एनफील्ड और इंडोनेशिया की कस्टम बाइक निर्माता कंपनी क्रोम वर्क्स गैरेज ने तैयार किया है। बता दें कि यह एक कैफे रेसर बाइक है और इसे द 30 नाम दिया गया है। इससे सबसे खास बात यह है कि बाइक कंपनी की मशहूर कैफे रेसर कॉन्टिनेंटल जीटी 650 पर बेस्ड है और इसे 60 के दशक में प्रयोग किए जाने वाले कैफे रेसर बाइक से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस बाइक में मॉडर्न और रेट्रो दोनों डिजाइन का मिश्रण देखने को मिल रहा है। इसके फ्रंट में जो कर्वी विंड स्क्रीन प्रयोग किया गया है वो पुराने दौर में रेसिंग बाइक्स में ज्यादा एरोडायनामिक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें डुअल टोन फ्यूल टैंक का प्रयोग किया गया है जो कि पर्ल कॉपर और साइड में क्रोम कलर में सजाया गया है। रॉयल एनफील्ड द 30 के फ्रंट में कंपनी ने 43mm का KYB अपसाइड डाउन फॉर्क सस्पेंशन प्रयोग किया गया है। इसके पिछले हिस्से में मोनोशॉक शैसे सस्पेंशन दिया गया है। इस बाइक में कंपनी ने 648 सीसी की क्षमता का अपना पारंपरिक इंजन प्रयोग किया है जो कि आपको कॉन्टिनेंटल जीटी 650 में भी देखने को मिलता है। यह इंजन 47 bhp की पावर और 52 nm का टॉर्क जनरेट करता है। फिलहाल इस बाइक को बतौर कॉन्सेप्ट इंडोनेशिया में चल रहे कस्टम फेस्ट 2019 में पेश किया गया है। इसके प्रोडक्शन के वर्जन के बारे में कंपनी द्वारा अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। तो दोस्तों ये थी न्यूज़, और ये मॉडल अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हो सकता है ये फ्यूचर बाइक हो और 2030 तक ये शायद इस तरीके की बाइक आपको देखने को मिले। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि ऐसी अपडेट आप तक मैं पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत।